click the bell icon and never miss another update from Bollywood Spy. Jalja, 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 Jalja! सलमान खान की ट्यूबलाइट जल चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ सलमान खान की अपकमिंग फिल्म ट्यूबलाइट की, जिसका ट्रेलर आज हो चुका है लॉन्च और उसने इंटरनेट पे धूम मचा दी है। मैं हूँ राहुल भोज और आज मैं बात करूँगा उस ट्रेलर के बारे में, बताऊँगा कि हमने क्या क्या चीज़ें नोटिस करी। सारी बातें लेकर आऊँगा एक्सक्लूसिवली ऑन वॉच बॉलीवुड स्पाई। ट्रेलर की शुरुआत होती है कुमाऊँ रेजिमेंट के ऑफिसर की स्पीच के साथ। वो जो ऑफिसर बने हैं वो हैं यशपाल शर्मा जी, बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं, जहां पर वो जगतपुर के नागरिकों से अपील कर रहे हैं कि दोस्तों इस संकट की घड़ी में तुम्हारा साथ चाहिए। मतलब बेसिकली वो ऑडियंस को बोल रहे हैं कि यार तुम आओ आर्मी में भर्ती हो और हम तुम्हें जंग पे ले जाएंगे। मैं बता दूं आपको इसके पीछे की ट्रिविया कि ये जो शूटिंग हुई है पूरी जगतपुर, जो टाउन क्रिएट किया गया है, ये मुंबई फिल्म सिटी में किया गया है। और ये जो आप सीन देखते हैं जहाँ पर पहाड़ हैं जिनमें हरियाली बिल्कुल नहीं है, जहाँ पे आर्मी कैंट लगा हुआ है, वो शूट हुआ है लेह लद्दाख में 2016 में, जहाँ पे पूरी शूटिंग अगस्त के महीने में चली थी। और इस ऑफिसर की स्पीच के बाद हमारे जो मेन कैरेक्टर है, मेन प्रोटैगनिस्ट है, यानी कि लक्ष्मण और भरत, यानी सलमान खान और सोहेल खान, वो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि फिल्म में फिर उसके बाद वो भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे, जहां पर आप देखते हैं कि सलमान खान फ़ोटो खिंचा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आर्मी की तरह सैल्यूट करने की, तो वो अपने आप को उस कैरेक्टर में, यानी कि एक आर्मी मैन के कैरेक्टर में ढालने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद उनका एडमिशन आर्मी में नहीं होता है और सोहेल का हो जाता है। ट्रेलर की जो शुरुआत हुई है वो बहुत ही लाइट मूड के साथ हुई है, जहाँ पे सोहेल सलमान आपस में मस्ती कर रहे हैं, नदी में छलांग लगा रहे हैं, पहाड़ की चोटी पे चढ़ रहे हैं। लेकिन बीच में ट्रेलर का एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और सेंटिमेंटल वैल्यूज़ जुड़ी है, जहाँ पर सोहेल खान जंग पे जा रहे हैं और सलमान खान रो रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कब तक वापस आओगे और सारी बातें इमोशनल वाली। लेकिन मुझे लगता है कबीर खान ने इस पूरे सेटअप को बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बनाने के बाद उसे बहुत ही ज़्यादा हिलेरियस बनाया है। अगर आप देखेंगे कि इस सीन में सलमान खान ने जो कपड़े पहने हैं, ऐसा रेड कलर का स्वेटर और चेक शर्ट, सेम ऐसा उन्होंने आगे एक सीन में पहना है जब वो साइकिल से आर्मी ट्रक्स का पीछा कर रहे हैं और गिर जाते हैं, और वो गिरकर ऐसा रिएक्ट करते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वाह, सलमान खान का ऐसा इनोसेंस और ऐसा चार्म आज तक कभी नहीं देखा। ट्रेलर आगे बढ़ता है और थोड़ा सा डार्क और इंटेंस होता जाता है, जहाँ पर सोहेल खान का कैरेक्टर है वो सामने देखता है कि चाइनीज आर्मी आ रही है। मुझे वो एंगल बहुत प्यारा लगा जब कबीर खान उनके पर्सपेक्टिव से दिखाते हैं और उसके पीछे जो बैकग्राउंड स्कोर बजता है उससे घूसबम्स क्रिएट होते हैं। आप भी अगर ध्यान से और हेडफोन लगाकर उस सीन को प्रॉपरली देखेंगे तो आपको भी सेम फीलिंग होगी। ट्रेलर में अगर हम सलमान खान की एंट्री देखते हैं, उनके सीन्स देखते हैं, सोहेल खान के सीन्स देखते हैं, लेट ओमपुरी साहब को देखते हैं, वहीं हम देखते हैं एक बहुत ही मंझे हुए कलाकार जीशान आयुब को। जीशान सर का सिर्फ एक डायलॉग है जिससे पता चलता है कि उनका कैरेक्टर कैसा है। जहां तक मुझे लगता है कि उनका कैरेक्टर उनके फ्रेंड का है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, जहां पर वो बोलते हैं कि अबे साले ट्यूबलाइट, तेरा भाई कभी वापस नहीं आएगा, ये बात याद रख। तो हो सकता है कि वो ट्यूबलाइट से, यानी कि हमारे सलमान खान हमारे लक्ष्मण के कैरेक्टर से इतना ज़्यादा इरिटेट हो गए हैं, उनके यकीन पर उनको यकीन नहीं है, उन्हें भरोसा नहीं है कि उनका भाई वापस आएगा। लेकिन इसके ऑपोजिट सलमान को भरोसा है कि उनका भाई जिंदा है और एक दिन ज़रूर वापस आएगा। अब ट्रेलर पेस पकड़ता है जहाँ पर हम दो दो सेकंड की झलक देखते हैं, ग्लिम्स देखते हैं, चाहे वो चाइनीज एक्टर जूजू हो, चाहे वो मार्टिन डुटैंगो हो, या फिर सोहेल खान का कैरेक्टर हो जो चारों तरफ से चाइनीज आर्मी से घिर चुका है। और आई एम श्योर इट्स अ स्पॉइलर अलर्ट फॉर यू गाइस कि सोहेल खान को कैप्चर कर लेती है आर्मी और सलमान खान उन्हें ढूंढते ढूंढते हो सकता है चाइना पहुंचते हैं और वो मार्टिन डुटैंगो और जूजू से मिलते हैं। ट्रेलर की जो एंडिंग है मुझे वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ही ज़्यादा मेरी फेवरेट लगी, जहाँ पे सलमान खान एक उम्मीद के साथ एक डायलॉग बोलते हैं कि मेरा भाई ज़रूर वापस आएगा और मुझे ये जंग रोकनी होगी। मुझे लगता है यही चीज़ सलमान को उकसाती है, उनके कैरेक्टर को उकसाती है, और वो कोशिश करते हैं पर्वत को हिलाने की। उन्हें लगता है कि शायद मैं अगर पहाड़ हिलाऊंगा या पर्वत हिलाऊंगा तो ये जंग, ये जो चल रही है जंग, ये रुक जाएगी और उनका भाई हंसी खुशी उनके पास वापस आ जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
जिस बात का मुझे एक्सपेक्टेशन था वो मुझे मिल गई। मुझे लग रहा था कि शाहरुख खान की एक छोटी सी झलक हमें ज़रूर देखने को मिलेगी, और हम देखते हैं शाहरुख खान का कैरेक्टर गोगो पाशा एकदम मस्त मौला तरीके से खड़ा है। आप ध्यान से देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि यस, शाहरुख खान ही है वो। सो गाइस, ये था बॉलीवुड स्पाई की तरफ से ट्रेलर रिएक्शन। आई होप आपको पसंद आया होगा, और मैंने शायद आपका मूड भी खराब किया होगा क्योंकि मैंने आपको स्पॉइलर अलर्ट दे दिया। वेल, जो भी है, आपका अपना चैनल है, कमेंट कीजिए कि आपको ट्रेलर कैसा लगा, क्योंकि चैनल आपका अपना चैनल है बॉलीवुड स्पाई, जो पहुंचाता है सबसे तेज एंड एक्सक्लूसिव न्यूज ऑफ बॉलीवुड। जल जा जल जा जल जा जल जा।